आशियाना फाउंडेशन की ओर से स्वर्गीय रघुवीर सिंह बलड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए एल्पा सिटी करनाल के प्रणांग में तीसरा रक्तदान शिविर व मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस मौके पर फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर कविता देवी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में मेयर रेणुबाला गुप्ता, जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रिज शर्मा, करनाल तहसीलदार राजबख्श सिंह, अरविंद मान्निटू, रामदयाल बलड़ी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों ने रक्तदाताओं का उत्साह वर्धन किया। यहां हम आपको बता दें कि स्वर्गीय रघुवीर सिंह बलड़ी एक समाज सेवी थे। समाज सेवा के कार्यों में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। उनकी याद में हर वर्ष की भांति आज भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि रक्तदान एक महादान है और थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इस दौरान विशेष तौर पर पहुंचे खिलाड़ियों और युवाओं ने भी रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया है। आज यहां पर बलड़ी गांव के युवाओं ने हमारे बड़े भाई रघुवीर जी की याद में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। वैसे उनके रहते भी ये सभी युवा, करण हैं, रामफल जी हैं, सभी मिलकर एक अच्छा कैंप हमेशा लगाते आए हैं ताकि लोगों की हर तरह से सेवा कर सके। बलड़ी गांव के सभी ये प्लेयर और युवा जो जुड़कर इस तरह की सेवा कर रहे हैं, मैं उनको लिए आभार व्यक्त करते हुए भाई रघुवीर जी की स्मृति में आज इस कैंप है, क्योंकि वो हमेशा समाज के साथ जुड़कर अच्छी सेवा करते आए हैं। रघुवीर जी समाज की एक ऐसी कड़ी थी जिन्होंने हमेशा जोड़ने का काम किया, और आज ये सभी बच्चे मिलकर ये कैंप लगाकर आज उनकी स्मृति में यही संदेश देना चाहते हैं कि आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और उनकी जो बनाई हुई रीत है उसे हम चलाना चाहते हैं, और उनकी प्रेरणा से आगे भी जहाँ भी समाज में जो भी सेवा है बलड़ी गांव के सभी है हमारे भाई करने के लिए हर तरह से तैयार है। पूरा महिला परिवार, सभी युवा आप देख भी रहे हैं, युवा खिलाड़ी हैं, युवा वर्ग है जिनके कंधों पर देश की, समाज की जिम्मेदारी है, और ऐसी वैश्विक महामारी के दौर में ये कैंप लगाना, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए उनकी स्मृति में उनको भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और श्री रघुवीर जी का की पुण्यतिथि में जो ये शिविर लगाया गया है, वो एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जो स्पोर्ट्स में भी बहुत योगदान देते थे, स्पोर्ट्समैन का बहुत मदद की है उन्होंने। तो युवाओं को मैं यही कहूँगी कि आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और रक्तदान करें, और रक्तदान तभी हम स्वस्थ भी तभी रहेंगे जब हम खेलों से अपने आप को जोड़ेंगे, मैदान से अपने आप को जोड़ेंगे, कि सबसे पहले युवाओं को मैदान में होना जरूरी है, फिजिकली फिट होना जरूरी है, ताकि हम दूसरी जिंदगियां भी बचा सकें। स्वर्गीय चौधरी रघुवीर सिंह जी की याद में तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, और जो रामदयाल हैं सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर करके ब्लड डोनेशन किया, और मैं समझता हूँ करनाल के अंदर कम से कम 53-54 थैलीसीमिया केस के बच्चे हैं, उन्हें लगातार खून की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कार्य में उनकी मदद होगी। जहाँ तक इस फाउंडेशन का सवाल है, चाहे वृक्षारोपण की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे सैनिटाइजर बांटने की बात हो, ये सारी युवा टीम रामदयाल और सभी जेजेपी से प्रेरित होकर बढ़ चढ़ करके काम करते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आज जो हमारी बहन है, रेसलर है, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर हमारे देश का, प्रदेश का गौरव बढ़ाया, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इनके हस्बैंड गौरव जी बागपत से आए हुए हैं, इनका भी हम सभी स्वागत करते हैं, और सभी जेजेपी पार्टी के सीनियर साथी हमारे सामाजिक बहुत नीटू मान जी। आज चौधरी रघुवीर सिंह बलड़ी की यादगार में आशियाना फाउंडेशन की तरफ से जो ब्लड कैंप लगाया है, ये इनका तीसरा ब्लड कैंप है। जो खून सबसे उत्तम दान है, जो कि किसी भी एक्सीडेंट में काम आता है तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है, तो इसमें इनके रघुवीर सिंह जी के परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और वो भी इसी कदमों पे ही ये इनका परिवार चल रहा है कि अपने किसी भी कोई भी कार्य हो या कोई खेल का हो तो कहीं भी उनका बहुत ज़्यादा आन जान था। थैंक यू।
एक हस्ती जैसे WWE से हमारी पहली वुमेन रेसलर जिसने सैफ गेम में भी गोल्ड मेडल लिया है अलग अलग गेम में पावर लिफ्टिंग में, उसके बाद WWE में पहली महिला होने का गौरव मिला और वो यहाँ पर पहुँची हैं, और उनके साथ मायाराम चंद्रभान जी पुर जी और अपने ब्रिज शर्मा जी और प्रेम शाहपुर जी और विधायक जी और गौरव जी जो अपने कविता देवी के हस्बैंड हैं, और इन सभी ने यहाँ पर, यहाँ की मेयर है वो भी यहाँ पर पहुँची है, इन सभी ने यहाँ पर इस आयोजन में भाग लेकर बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ऐसी पुण्यतिथि, क्योंकि रघुवीर सिंह बलड़ी जी ने हमेशा स्पोर्ट्स के लिए योगदान दिया है, कहीं भी कोई भी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो रघुवीर सिंह बलड़ी जी वहाँ पर अपना सब बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और बहुत ही नेक दिल इंसान थे, उनकी पुण्यतिथि पर ये आयोजन करना बहुत सौभाग्य की बात है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक